निवासा गतभक्ता पुरुषासी निवासा कथन से है प्रभाव प्रलय स्थानीय कानून जन्म उदय इसके ऊपर उत्तर इतने वेद साथ से पुराण है और मैं क्या पता है तो कहाँ का श्लोक ला कर पूछते होंगे। वेद जैसे गीता का श्लोक है कि हमारे गांव में एक बरात आए थे कल दिन काफी के सबसे पूछते बरात पक्ष में और खराबी पक्ष के कोई संवाद करने वाला एक सज्जन थे और उन्होंने कहा साथ में जाकर उन्होंने प्रश्न कर दिया उसका उनसे भाया मुझे पावा इतनी सुप्रप्त नहीं कौन सा पावा सुप्रप्त कौन उभर भी हास्या अब वो कैसे पढ़े तो काशी की बड़ी बड़ी प्रसिद्ध ये सूत्र कहाँ है क्या कहते हैं ये किस शास्त्र का सूत्र है ये साक्षी बारह प्रधान भगवान के बारे में श्लोक क्योंकि द्वादश आत्मा सूर्य है और द्वादशाक्षर मंत्र है द्वादश आदित्य है भगवान के बारह गुणों का गति है चाहे कोई कितना घूमे फिरे पातालम्रज व्याधि वास्तव के लिए आरोप विरोप से रहा चाहे पाताल में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे सुनेरे के स्वर्ग जाओ पारावार परंपरास्पर प्रभात प्याशा में संस्कार करो सात समुद्र भाग कर जाओ लेकिन ये आशा की साक्षी जो है ये तुम्हारा परिवर्तन करती है ये आशा की साक्षी परिवर्तन का नाम अभी ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए कहीं भी भटक जाओ भूल जाओ भटकन से शांत काफी प्याज जरा बड़ा यदि क्षेमम निजम पाए अरे वो आदि से व्याधि से बनाते थे दुखी प्राणी यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो आ जा गति की परिसमाप्ति मुझ में ही है मुझे प्राप्त करके कहीं भी अपना जाना नहीं है यद गत्वा नहीं वर्तन्ते और तनाव परमात्मा परमात्मा ही एकमात्र गति है प्रकृति रहेगी परमात्मा की गोद में प्रकृति आई है परमात्मा की गोद में गति की परिभाषा जाना आना ये जो झगड़ा लगा है ये परमात्मा में ही जाकर समाप्त हो जाता है अन्यत्र न देश का अंत है न काल का अंत है न वस्तु का अंत है न वासना का अंत है न साधन का अंत है परमात्मा सर्वधर्मा परिचय माम एकम शरणम व्रज व्रज शब्द का जो अर्थ है ना वही गति शब्द है जब तक परमात्मा के पास नहीं पहुंचोगे तब तक गति की परिसमाप्ति नहीं होगी भटकते रहोगे भटकते रहोगे भटकते रहोगे कुछ न कुछ भटकता रहेगा शांति को मिलेगी परमात्मा में जाके गमन कांत भी वही है ज्ञान कांत भी वही है मोक्ष स्वरूप भी वही है प्राप्ति भी गति सभी का कारण श्रवण ज्ञान मोक्ष है प्राप्ति गमन ज्ञान मोक्ष प्राप्त हो जाती जैसे पता जैसे सत्यार अब तो हमारे मन तो चले परमात्मा की ओर
आपको कुछ चाहिए, खाना पीना भी कुछ चाहिए ना। एक लखनऊ से विरक्त होते हैं मुझे आए थे अत्री लुब्बा, चार कहा दोनों और टोकरी देके उनके पास सामान लेके हमारे है। और उनको देखते ही दिमाग में आया कि जब ये चार टोकरी चार कावर हम वो सामान लेके आए हैं कि कितने दिन चलेगा, बाद में तो इनके बैराग्य काम हो जाए। दो पेटी सामान लेके अगर तुम जाओगे तो बैराग्य करने के लिए एक तुम्हारे भगत पर अयोध्या भी जाए तो बैराग वहाँ 10,000 रुपये लेके गए इस साल पर अयोध्या निवास करते हुए भक्ति करेंगे। अब वो भक्ति तो तभी तक होगी ना जब तक हृदय उनके रहेंगे, तब तक साथ रहेंगे। असल में भरण पोषण का जो भाव है वो भगवान तक छोड़ देना चाहिए। हमें पहुंचना भगवान के पास है, तो आश्रयण सौकर्या पालन भी नहीं करेंगे, अपने पास पहुंचने में रहने में मदद भी नहीं करेंगे। दूसरे भारण को सहयोग विभाग के यदि करता वही हमारा भरण पोषण करते हैं। जो हमारी सांस के लिए हवा देने वाला है, जो हमारी आंख को रोशनी देने वाला है, जो हमारी जीभ में रस पैदा करने वाला है और जो हमारी नासिका को गंध देने वाला है, जो सब विश्वप्रभु देवा सत्य भगवान के भोजना छादने चिंता वृथा को वृत्ति वैष्णव, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, हक होते हुए फिकर करना व्यर्थ है। फिकर आग पत्नी करी ताको नाम पति, तो घर का तो प्रभु है कोई रोटी देता है कोई पत्नी। एक दिन डाकुड़ा में कोई साधु आए शेख जयदयाल जनता के जन्म कर्मभूमि संभव जन्मभूमि को शुरू की कर्मभूमि की डाकुड़ा, तो उन्होंने अपने भाई हरकिशन दास को भेजा इस साधु को भोजन के लिए भिक्षा के लिए आमंत्रित करें। हरकिशन दास जी गए साधु और शंकर था, उसने कहा कि आज तो तुम खिला दोगे, कल कौन खिलाओगे, बड़े बने वो खिलाने वाले आए होंगे स्वागत है। फिर जी के पास आई उन्होंने कहा और कहो कि महाराज जिसने आपको फल खिलाया था वही आज खिला रहा है और वही आपको कल भी खिला रहा है, खिलाने वाला तो एक ही है। जाके साधु से ये बात नहीं वो राजी हो गया तो धरता जो है जैसे पति अपनी पत्नी का पता होता है और उसका घर पोषण करता है, सूर्य सृष्टि में जो कुछ है सबके भरण पोषण करने वाले वही है। जैसे धरता प्रभु प्रभु विष्णु है वही प्रभु प्रभवत सर्वत्र देशे जाने वो सब देश में वो रहता है, सब काल में वो रहता है। ये नहीं कि मंदिर के पास हम रहेंगे तब तो वो रोटी दे देगा खाने को है? और कहीं मंदिर से दूर चले जाएंगे तब वो रोटी दे देगा, मंदिर में भी रह के देता है। देखो और मंदिर को छोड़ो वृंदावन नहीं ऐसे मंदिर एक एक मंदिर के ठाकुर जी 5,000 लोगों का निर्वाह कर देते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्री रंग जी का मंदिर है, श्री बिहारी जी राधा बंद है, अयोध्या जी में है, कितने लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी से निर्वाह कौन करता है, मंदिर करता है, मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी करते हैं, तो वहां तो करते ही है। लेकिन कहीं चले जाओ एक दिन बस में चलना था नंद प्रयाग से हमारे साथ 5-7 जने थे, तो मैं तो दौड़ थी महाराज बस पर चल रही
और बाकी सब लोग अपने प्रयास में छोड़ देते हमारे पास पैसा पैसे वाला जो कर्म प्रयाग होते और करते उन दिनों में टूट गया था फूल उसका बात करना पड़ता था पहले जब कर्म प्रयाग में साथ रखने लगा फूल एक से दिन आते हाथ जोड़ा और स्वामी जी क्या तैयार करोगे तैयार वो बढ़िया बीकानेरी खिचड़ी आप लोग जानते नहीं बहुत बढ़िया पहले से तैयार मैं और चक्रजी दोनों बिहार वकीलगंज को पैदल करे थे बख्तियार को चक्कर लगाए उसमें राजगिरी उसमें तपोवन उसमें रात को सड़क पर चल रहे चिल्ला हमारे ठाकुर जी का भोग लग उसा चुका है अगर कोई भोजन करने वाला हो तो आ जाए ठाकुर जी का भोजन मिले आ रहे थे हरिद्वार से हरता है और प्रभु सर्वत्र हरिद्वार से हम लोग आ रहे थे जिनमें सुबह रात अर्थावस्था हो गई थी क्योंकि ब्रह्मचारी सनातन जी देव जी थे सनातन देव जी इच्छा के रूप में था उनके लिए रसोई बना हुई मैदान में आ गई वर्षा वर्षा आ गई लोग तो चले गए थे दरी में घर पर थे और उसको ठाक ठाक दिया कि पक जाए सो महाराज एक जाट के जब के वहाँ आए और छठ उन्होंने खिचड़ी उठाई और ला कर लोगों के पास रखी तो ठीक जाएगी और सनातन देव जी को तो नहीं मिला था तब तो वो जाट का चुना और हमारे साथ और लोग जैसे उठे थे और प्रभु सर्वत्र है वो तो आम खा के रहे शाम को देखो हम लोग वहां से चले वहीं से जल्दी जल्दी हमारे साथ जो था वो तगड़ा और गोरा गोरा भी मोटा मेरे साथ और भी कई लोग थे सब खाते पीते सारे एक ने पूछा रास्ते पर कि बाबा जी आप लोग खेत का गेहूं खाते हो तो अद्भुत गणेश साहब ने कहा कि हम लोग बेफिक्री की खेत का गेहूं अच्छा आज कहाँ धावा बोल दिया है महाराज तो गणेश आनंद बोले आज तुम्हारे घर पर धावा आज तो हम लोग तुम्हारे फिर महाराज ऐसा स्वागत सत्कार सबके लिए छोटे जी का अलग बना किसी का पक्का बना किसी का कच्चा बना तो प्रभु सब जगह मंदिर में ही रह के भोजन नहीं देता है सारी भक्ति में रह करके वो भोजन देता है सर्वसमर्थ है उसके लिए कोई कठिन नहीं है स्वयं भी ला के खिलाता है आप लोग विश्वास करें चाहे मत करें अपने हाथ से भगवान भोजन ला के और खिलाते हैं बहुत तो बड़े बड़े काम हो गए क्या नहीं ये सब करते हुए भी साक्षी ही रहे साक्षात पश्य साक्षात दृष्टरी संज्ञाया जो साक्षात देखता है हम लोग चश्मे से देखते हैं चश्मा ये आंख आंख है तो ये आंख के बोले थे ये चश्मा है तो जिसकी वासना है अंतकरण भी एक चश्मा है और बाहर की इंद्रियां भी एक चश्मा है डबल चश्मा लग गया है और चश्मा उतार के सोने का सोना है सुबह चश्मा उतार चश्मा चुप एक आदमी तीन चश्मा रखता एक चश्मा क्यों तो दूर देखने का एक चश्मा क्यों तो पास देखने का हमारे पास नहीं तो तीसरा क्यों रखते हो तो दोनों चश्मों को ढूंढने के लिए हमारा विवाद किसमें हमारा घर क्या है हमारा रक्षक कौन है हमारा हितैषी कौन है निवास शरण
ये जो श्लोक का नमूना बता दिया है, प्रभव प्रलय स्थान निधान बीज वृद्धम तपाम वर्षम ग्रहणाम प्रजान अमृता अमृत 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 की वही है। जिए तो वो मरे तो वो अच्छा तो वो बुरा तो सूक्ष्म तो वो भूत तो वो परमात्मा की जो है तो वो कोई है ही नहीं, अमृता नहीं चाहिए पर ऐसा भगवान और किसी का नहीं है। जैसे मुसलमान के भगवान से पूछो कि तुम मृत्यु हो कि अमृत नहीं बोले कहेगा हम अमृत ही अमृत है मृत्यु हर सदसत क्या हम अर्जुन किसी भी मजहब के ईश्वर से पूछो कि तुम सदसत हो कि नाना हम सब है हम सब नहीं वेदांतियों से भी पूछो कि तुम सब तो क्यों हो तो कहीं हम सब स्वरूप है अपने को सब सुना और मैं दोनों सदसत सत्परम न सत करना तो दुख सके वहां केवल निर्वचन का निषेध है सदसत्व का निषेध नहीं है निर्वचन का निषेध है। इसी हमारे प्रकार हम भगवान का वर्णन है इस श्लोक में सदसत चमन भरत प्रकाश नाम महाराज श्री श्रुतियों ने ही कहा कि ज्ञानी पुरुष खाता हुआ खेलता हुआ स्त्रियों के साथ रहता हुआ वाहनों पर चलता हुआ भी मुक्त ही रहता है। उसके संकल्प पूरे होते हैं वह अनेक रूप हो सकता है इत्यादि ऐश्वर्य प्रतिपादक श्रुतियों की संगति कैसे बैठाई जाए। प्रजापति ने अपनी सभा में ऐसा कहा था रक्षण स्त्रीदुर्गा स्त्रीदुर्गा जानवा मोक जन्म स्मरण निगम शरीर उसने देह के बारे में देखा क्योंकि देह तो संपात राशि कई चीजों से बना हुआ है। उस संघात अपने लिए नहीं होता है संघात दूसरे के लिए होता है। संघातस्य परार्थत्वा जब चार चीज खिचड़ी जब बनाई जाएगी दाल चावल मिला के तो खिचड़ी खिचड़ी के लिए नहीं बनती है किसी के खाने के लिए बनती है। तो ये जो देह है ये खिचड़ी है और अंत में सर जाने वाला है और ज्ञानी पुरुष जो है वो इस देह की चेष्टाओं से प्रभावित नहीं होता है। रक्षण क्रीडन रमण तो वहां ज्ञान की महिमा बताने में प्रजापति का तात्पर्य था कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसका शरीर चाहे किसी भी अवस्था में रहे तो शरीर के साथ उसका संबंध नहीं रहता। अब ये सुन के महाराज इंद्र और विवेचन दोनों के मन में उत्सुकता हुई ये ज्ञान की प्रशंसा है ये ज्ञान की स्तुति है। तो लोग ज्ञान में रुचि करें और रखें और जिज्ञासु बने और जिज्ञासु बनते सदगुरु की सेवा करें और ज्ञान प्राप्त करें लोगों के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए प्रजापति ने ये ज्ञानी की महिमा का वर्णन किया। और सुन लिया दो ने महाराज एक तो प्रहलाद के पुत्र लोचन और एक इंद्र दोनों ने कहा भाई ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे तब तो बड़ी मौज है हम चाहे जो खाएंगे जो पिएंगे जैसे रहेंगे कोई आज करके लोग प्राय ये उत्सुकता है ये जिज्ञासु नहीं होते हैं कुतूहली होते हैं उत्सुक होते हैं तो वही वो हमको भी ज्ञान हो जाएगा तो मौज हो जाएगी तो हम जो चाहे जो खाएंगे जो पिएंगे जैसे रहेंगे। दोनों गए और महाराज प्रजापति ने उपदेश को कर दिया और विरोधी ने मान लिया कि हम ज्ञानी हो गए और आके फिर वो ऐसे ही करने लगा दक्षिण श्रीगंध अनुमान श्री बिरवा वो विरोचन की पद्धति हो गई।
इंद्र ने विचार किया, मीमांसा के विचार का उदय हुआ, ये दक्षिणाक्षी पुरुष जो है ये तो परम तत्व नहीं हो सकता, ये दक्षिणाक्षी पुरुष चित विचार है और सुख विचार है, उमा पुरुष का विचार और श्वेत केतु वाला जो विचार है वो सद विचार है, सदैव सौमेद मंत्र आती, ये सद वस्तु का विचार है, दक्षिणाक्षम वही पुरुष ये चेतन तत्वस्तु का विचार है और जो वही उमा तत्सुखम नाल पे सुखमस्ते ये आनंद पदार्थ का विवेक, ये छात्रों की उपनिषद थी और इन दल ने विवेचन किया, बोले ये कैसे हो सकता है, आश्वास है। अब महाराज से देखो कितना एक सौ एक वर्ष तक प्रजापति ने करवाई, जब संयम पास हो गया और तब उसको बताया कि जब 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन और गुरु का सेवन और तपस्या हो जाएगी कि उसके विपरीत कोई भोग राग में रुचि रहेगी, उसके लिए एक स्थिति है, यानी पुरुष ऐसा करे ये तो बाबा से ब्रह्माकार बुद्धि की चर्चा बहुत होती थी, तो मैंने पूछा कि बाबा ब्रह्माकार बुद्धि की विधि जो है यानी के लिए कैसे हमारे तो क्या बोलते हैं कि निषेध कहाँ है, हमारी बात उड़ गई है, बोले कि यदि ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार बुद्धि करे तो निषेध कहाँ है, माने विधि और निषेध दोनों कर्ता के लिए होते हैं, इसलिए उसकी मौज हो तो ब्रह्माकार बुद्धि करे और उसकी मौज न हो न करे है, तो इसलिए ये ज्ञानी पुरुष के लिए, ज्ञानी पुरुष के लिए जक्षण क्रीडन गवमान जो है वो करने के लिए नहीं है, बोला ये ज्ञान में रुचि उत्पन्न करने के लिए शास्त्र का मकसद है और यदि कदाचित मान लो इसमें से कोई बात नहीं गई तो उसकी मुक्ति में ज्ञान में बाधा नहीं है। प्राणो येष यः सर्वभूतैः विभाति विजानन् विद्वान् भवते नाति वादि आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेश ब्रह्म विदाम क्रियावान येष ब्रह्म विदाम वरिष्ठः। ये कौन है द्वारा जो शिष्यों को कोई पढ़ने वाला है, जिज्ञासा की है क्रियावान पद का क्या अर्थ, क्रियावान पद का क्या अर्थ, क्रियावान अपि जोड़ लो पूर्वक नदी नदी थे गीता में जैसे है ना किम पुनः आकुर्वान और क्रियावान का अर्थ है अपने वर्णाश्रमों से क्रिया को, सन्यासी है तो आश्रमों से क्रिया को करता हुआ भी, और मान लो तत्व यही है केवल तो भिक्षादि क्रिया करता हुआ भी प्रवृत्त उपयुक्ता से निवृत्ति को उपयुक्त थे यदि कहो कि प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं है तो निवृत्ति का क्या प्रयोजन है, तत्व ज्ञानी के लिए तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों समान है, सन्यासी के लिए निवृत्ति है, गृहस्थ के लिए प्रवृत्ति है और तत्व ज्ञान में ज्ञानी के लिए प्रवृत्ति का क्या उपयोग है, निवृत्ति का क्या उपयोग है, क्यों निवृत्त रहे, बोले भाई निवृत्ति से तो ज्ञान होता है, सब प्रवृत्ति से बुद्धिता होती है, जिज्ञासा होती है, भोग हेतु प्रवृत्ति से कायाम करते तरह, इसलिए ये जो ज्ञानी पुरुष हैं नारायण उनकी क्रिया क्या है, सब इच्छा आदि जो समय पर सन्यासी लोग कर लेते हैं वो क्रिया है, अथवा महाराज ज्ञानी जो है वो महाकर्ता महाभोक्ता महाज्ञानी बना है, महात्यागी महाभक्ता महाभोक्ता महात्यागी भगवान का वशिष्ठ जी रामचंद्र से कहते हैं कि ये रामचंद्र तुम महाकर्ता हो, अरे ईश्वर के कर्ता के नहीं करता, तुम कर्ता के करता महाकर्ता हो, तुम्हारी सत्ता से तुम्हारे ज्ञान से तुम्हारे आनंद से ब्रह्मा आदि जो तत्त ब्रह्मांड के परमेश्वर है
उनको सत्ता मिलती है, ज्ञान करता है, भाग करता, भाग भोगता, संपूर्ण हत्ता सदागर कृपा समग्र चरागर के तुम भोगता हो, जस्य ब्रह्म चत्रंच उभे दो मृत्यु जस्यो प्रतेचन इच्छा वेद उसको जान सकता है जो ब्रह्म और क्षत्र माने प्रज्ञा और प्राण, ब्रह्म माने प्रज्ञा और क्षत्र, क्षत्र माने प्राण, जो प्रज्ञा और प्राण दोनों को चाट जाता है और मृत्यु जिसके लिए चटनी हो गई है उसको कौन समझ सकता है। तो महाभाव होता भाव त्यागी, अरे बाबा दूसरा कोई है ही नहीं, त्याग करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, इतना बड़ा त्यागी। तो तत्व ज्ञानी के लिए अकर्ता अभोक्ता और त्यागी ये सब जो है लौकिक दृष्टि से ये शब्द आते हैं, उसकी तत्व दृष्टि से तो समग्र प्रपंच का अधिष्ठान प्रकाशक होने से वही महाकर्ता है, वही महाभोक्ता है, वही महात्यागी है, ये तत्व का वर्णन है।